ह्यूमन राइट्स सेंटर बेसिकली औरतों के तहफ्फुज़ के लिए एक इदारा बनाया गया था 97 से मिनिस्ट्री ऑफ वुमन डेवलपमेंट ने इनिशिएटिव लिया था। इसका पर्पस ये था कि औरतों को जो अपनी कंप्लेंट से पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है और वो बहुत मुझे चाहती हैं कि जी हमें एक बार तो वाले मुकाम पर जाना पड़ेगा और उसी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होते। तो एक सेंटर ऐसा बनाया कि जी एक वॉक इन सेंटर है, कोई खातून किसी भी वक्त किसी भी मसले में यहाँ आ सकती है और वन स्टॉप सेंटर है, यानी कि एक जगह पर खातून में आना है, उसने ना थाने जाना है, ना उसने कोर्ट जाना है, ना उसने मेडिकल यूनिट कराने जाना है, ना हॉस्पिटल जाना है, उसने इस जगह पे आना है एंड देन आर बुक्स उसने हमने उसका मसला सुनना है, रजिस्टर करना है और ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जी आपके पास शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए या आपके पास दावत होना चाहिए। हम बहुत ओपन और बहुत ही ईजी रखा है कि कोई भी खातून जो है वो गाइडेंस के लिए, मशवरा लेने के लिए किसी भी फॉर्म ऑफ अब्यूज में, तशद्दुद की किसी भी किस्म में वो यहाँ पर आ सकती है, फिजिकल हो, मेंटल हो, इकोनॉमिक हो, कुछ भी हो। उसमें ये है कि हम लोगों की बहुत एफर्ट, इंडिविजुअल एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा मैटर करती है उस टीम की जो उन औरतों से डील कर रही है। हमें शुरू से जो हमारी ट्रेनिंग जो थी मिनिस्ट्री ने कराई थी उसमें ये था कि वी ऑलवेज हैव टू फॉलो द कंसेंट ऑफ द वुमन, उसकी मर्जी हमें पूरी करनी है। बेशक मुझे लगता है मेरे पास ऐसी खातें भी आती हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई भी होती है, निशान पड़े होते हैं, जख्म हुए होते हैं, लेकिन 5 बच्चे होते हैं, खुद कमाने के काबिल नहीं है, मियाँ पर डिपेंडेंट है, लेकिन आके वो कहती हैं जी बाजी मैंने तो वापस ही जाना है, आप मेरी सुधा ही कराते। अब वी क्लियरली नो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हर, लेकिन हमारा काम है कि हम उसको हर एस्पेक्ट दिखाएं, लीगल बताएं, सोशल बताएं, उसको एक सारे ऑप्शंस बताएं, लेकिन अगर उसके बाद भी उस काउंसलिंग के 2-3 सेशंस के बाद भी उसका अल्टीमेट डिसीजन यही होता है कि इसका सुना ही करती है, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से ही चेंज करना पड़ता है। हमें उसके मियाँ को बुला के फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ही करानी पड़ती है या सुलह सफाई ही करानी पड़ती है, तो कंसेंट हमें फॉलो करना है। But because we are all women here and we belong to this society, तो we understand the dynamics कि अगर कोई मशवरा लेने के लिए भी आ रही है तो उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो पता नहीं हमारे मशवरे को कब इस्तेमाल करेगी, 6 महीने बात करेगी, साल बात करेगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसके पास चली गई है कि ये मेरे पास ऑप्शन है। जब उसके हालात साजगार होंगे वो तब भी कर सकती है, उसी वक्त करना चाहेगी तब भी कर सकती है। लेकिन काफ़ी स्टेप्स लिए जा चुके हैं, एक स्पेशल काउंटर्स बने हैं पुलिस स्टेशन पर, विमेन पुलिस स्टेशन काफ़ी अर्से काम करते थे लाहौर में, वहाँ पर खवातीन बड़ी आसानी से जाती थी, बस ऑफिसर की सारी खवातीन होती थी, तो इम्प्रूवमेंट तो आई है, लेकिन टोटल थाना कल्चर फुल रिफॉर्म्स के लिए और बहुत सबके लिए, ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्दों के लिए भी उतना इम्प्रूव और फैसिलिटेटिव हो, उसमें भी थोड़ा टाइम, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मेरे हिसाब से हमारा इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है मुल्क का, खवातीन अपने पोटेंशियल्स को यूटिलाइज करें, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, अगर हमारी खवातीन पॉजिटिव तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज़ को लें, उसको इस्तेमाल करें इकोनॉमिकली, घर का काम, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने पोटेंशियल को रियलाइज करके, और हमारा ये काम है कि हम उनको उन अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट करें, तो इतनी बड़ी जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है हमें उसको टैप करना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर इंसान के किरदार में अहम अदा करती है, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज़ जो है वो आपकी इनकम रहेगी, आपकी कैपेसिटी टू अर्न के साथ चेंज हो जाता है, तो ये तो एक ऐसा फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि इट मींस यू एम्पावर्ड और एनेबल्ड, आपके सोचने का तरीका बिल्कुल फ़र्क होता है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, जो खवातीन पैसे कमा रही होती है वो यूजुअली एजुकेटेड होती हैं, उन्हें उनका एक्सपोजर होता है, और ये बात सही है कि अगर डिवोर्स अगर आपकी नहीं बन रही और आपने डिसाइड कर लिया दो इंडिविजुअल्स ने कि ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो बजाय ये कि आप एक अनहैप्पी मैरिज की सारी ज़िंदगी गुजारें, और अगर आपके पास अभी औलाद है या एक बच्चा है और आप उसके ऊपर फोकस करें, बजाय ये कि उस अनहैप्पी मैरिज में आपके 5-6 बच्चे हों, आप सारी ज़िंदगी बच्चे भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं, मियाँ बीवी भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं, तो एक फोर्स्ड रिलेशन को ज़िंदगी ज़ाया करने की बजाय बेहतर है कि बंदा आराम से ले लौट जाए और अपनी बाकी अपॉर्चुनिटीज जो है उसको एक्सप्लोर करें। हमारे वैसे मैं आपको बताऊं कि पंजाब में इस तरह के ना 12 सेंटर्स हैं, और जो स्टार्ट ये सेंटर हुआ था वो बिहारी से हुआ था, वो जो हमारा सदर रीजन है पंजाब का, वहाँ पे वॉयलेंस की, फिजिकल वॉयलेंस की रेशो बहुत ज़्यादा है। हमारा एक सेंटर मियाँ वाली है, उसके बारे में मशहूर है कि यहाँ वो केसेस आते हैं जो जिसमें औरत मर चुकी होती है,
यानी कि वो गलत के नाम पर कत्ल हो चुकी होती है, मरने के बाद उस औरत का केस आता है कि अब तो ये हो गया, इतना वहाँ पे वायलेंस है। लेकिन हमारा चूंकि जियोग्राफिकल लोकेशन इस लाइक तो लाहौर में मोस्ट ऑफ द केसेस आई गेट दे आर ऑफ अ डिफरेंट नेचर, हेवी अब्यूज के बहुत ज्यादा, अगर आप मुझे कहें कि जी रेप केसेस हो या बहुत ज्यादा हमारा जो है गलत के नाम पर कत्ल हो, उस तरह नहीं है। हमारे पास केसेस की नेचर है इकोनॉमिक अब्यूज, इट्स अ वेरी सटल फॉर्म ऑफ अब्यूज, लेकिन बहुत ज्यादा है कि हमारा जो कंट्रोलिंग यहाँ पे मैकेनिज्म है वो ये है कि पैसे बंद कर दो, इसका खर्चा बंद कर दो, इसको पॉकेट मनी नहीं देनी है, उसको हर लिहाज इसको लिमिट कर दो, घर में बंद कर दो या पैसे से इसका हाथ रोक दो, तो वो एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है वो चलता है। उसके हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, माइल्ड अब्यूज के आते हैं, मेंटल टॉर्चर के आते हैं, लेकिन ये चीज जो फाइनेंशियल है और जिम्मेदारियां पूरे ना करना और ऐसे हालात पैदा करना कि वो खातून तंग आके कहे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो, लेकिन अगर आपको हो कहीं मार पीट के किया जाता है वो भी है, बट मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म इज इकोनॉमिक अब्यूज। पास रोज इतनी कहानियाँ होती हैं और वो इतनी ज्यादा दुखी होती हैं कि समटाइम्स आई वंडर कि हम सब जो है अब तक नॉर्मल कैसे हैं, हम इतना कुछ देखते हैं, क्योंकि जब तक हम डेप्थ में जाके बात नहीं सुनेंगे और हिडन कितना ऊपर से पेरेंटली एक फैमिली आपको नॉर्मल लगती है, उस फैमिली के अंदर क्या क्या चल रहा है और लोग कितना सफर कर रहे हैं, वो एक अलहदा चीज है। हर रोज हमें ये सब सुनने के बाद ये फीलिंग आती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सी लॉज की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, बहुत गुंजाइश है इन सब चीज़ों को ठीक करने में। ये नहीं कि हम लोगों के पास प्रोफेशनल लोग नहीं हैं या हमारे कुछ रिसोर्सेज नहीं है, वो सब कुछ है, एवरीथिंग नीड्स टू बी कोऑर्डिनेटेड एंड पुट टुगेदर, और बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स की अगर हमें लीडरशिप मिले या कमिटमेंट मिले तो हम वी कैन गो लॉन्ग वे अहेड। जो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ मंच की थी और जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है मैं वो ज़रूर उसको आई थिंक उस पर अवेयरनेस रेज करने की बहुत ज़रूरत है। हम जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम लाहौर में रहते हुए एक अर्बन सिटी में रहते हुए हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि किसी को फर्स्ट एड देना इतनी आम सी बात है ना, कि कोई बंदा जख्मी है या मरने के करीब है तो एक अंदर छोटी सी बात है कि आप उसको फर्स्ट एड देना, क्योंकि आप जिसने ग्रजेस इतने ज़्यादा होते हैं या घर में लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि वो कोई बंदा उनके सामने मर भी रहा है तो अपनी ईगो और अपनी लड़ाई उनको प्यारी है तो फर्स्ट एड देना उनके सामने। तो मेरे पास एक खातून एक लड़की आई थी, वो वेरी यंग गर्ल 20 इयर्स की होगी और उसके साथ एक बच्ची थी, उसको कुछ साल बाद उन्हें मार पीट कर निकाल दिया हुआ था कि तुम जो है इसका मरा लो। शी वॉज फाइव सिस्टर्स अपनी फैमिली में, दे वर ऑल्सो वेरी पुअर पीपल, उसके पेरेंट्स ने वो घर वापस से लेके बच्ची लेके उन्होंने अपना घर बेच के उसको सामान दिया और उस लड़की को वापस भेजा। वो लड़की जब मेरे पास आई हमने उसको कोर्ट में केस कराया ये खर्चे का और ये सब चीज़ों का, उसकी डेट ऑफ हेयरिंग की तो द लॉयर कॉल की, उन्होंने कहा जी आपकी यहाँ से भेजी हुई खातून है और उनकी डेट ऑफ हेयरिंग तुरंत ही जा रही है, उनको रिस्पॉन्स नहीं, वी कॉल्ड देम जी आप लोग जा नहीं रहे, उन्होंने कहा जी हमें तो फैमिली ने बहुत प्रेशराइज किया, हमें अपना घर बेचना पड़ा, हमने किया तो हमें अपनी बेटी को बसाना था, हमने उसको उस बच्ची के साथ वापस भेज दिया। हमने कहा कि कोई और भी हल निकलता, आप हमें बताते हमारे ऑफिस में होती है प्रॉपर एग्रीमेंट कराते जो हमारा तरीका है, आपने हमें इन्वॉल्व नहीं किया। और कुछ अरसे बाद द मदर कॉल्ड एंड शी सेड कि मेरी बेटी मर गई, और वो जो बच्ची थी जो लड़की मेरे पास आई थी व्हेन शी वेंट बैक शी स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग अगेन, और वो कहीं हॉस्पिटल वगैरह गई तो डॉक्टर क्लियरली सेड कि हमारे जनाब हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे कि जो भी उसी गायनी की डॉक्टर थी कि इट इज़ अ मैटर ऑफ सी सेक्शन और हमें रूटीन आना पड़ेगा और स्टेट को वी आर गोइंग टू डिलीवर यू ऑल दैट। तो द मदर सेज कि मुझे सुबह 4 बजे फोन आया और वो कहते हैं साल पास के आके अपनी बेटी को ले जाओ, कहती है कि मैंने वेंट देयर, वो जो उसकी बेटी थी बच्चा पैदा हो गया था तो बेटा को उठा चुके थे, she was drenched in blood till the roots of her hair, इतनी ब्लीडिंग थी उसकी और वो she was stiff बिल्कुल बर्फ की तरह और उसको मरे हुए 2-3 घंटे भी हो चुके थे, और उन लोगों ने ये लाहौर के सेंटर में वो रहते हैं, they didn't bother calling 112 को बुला लें, आप किसी डॉक्टर को बुला लें, आप उसको इमरजेंसी में ले जाएं, और वो ये भी नहीं कह सकते कि हम वहाँ नहीं थे, वो सब लोग वहाँ मौजूद थे क्योंकि उन्होंने उस न्यू बॉर्न को उठाया, उसको फुल केयर दी, ये बेटा पैदा हुआ है उसको उठा के मैंने सब कुछ किया, और वो मतलब इट्स स्टिल मतलब इट्स सच अ ट्रॉमा फॉर मी कि आई कैन नेवर फॉरगेट इट।
उस लड़की की पिक्चर फाइल मतलब कितने दिन जो है मेरे जहन से उस बच्ची की लड़की की नजर रहेंगे और हमने फिर इतनी एफर्ट की, हमने कहा कि ये क्रिमिनल नेगलिजेंस है, ये मर्डर का केस है, ये घर वालों की गलती है एंड वी ट्राइड टू रजिस्टर एफ आई आर एंड व्हेन वी वेंट टू द पुलिस सेड जी बहुत सी और बच्चे बैठा करते हैं बच जाती है इसमें ऐसी कॉन्सिक्वेंस होता है एंड वी आई थिंक वी वेंट टू द कोर्ट कि वी वांट टू गेट दिस एफ आई आर रजिस्टर्ड The husband who is the custodian of the wife, जिसकी जिम्मेदारी थी वो माँ और बच्चा, because he opted कि उसको घर पे deliver करना है, उसको hospital तक नहीं, और में आप बैठे इतने बड़े-बड़े hospitals हैं आपके पास सवारी नहीं है, आप double में double रूप बुला ले, वो अपनी अच्छी service देते हैं, वो ले जाते हैं। We wanted to get an FIR registered and we wanted a proper awareness कि ये चीज़ किसको medical basic first aid देना तो आपके उसका basic human right था, आपके basic rights में शामिल था, आप लोग वो भी नहीं कर सकते। तो ना एफ आई आर हुई ना कुछ और हुआ, मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने गायब कर दी, जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया, वी ट्राइड आवर बेस्ट जो कुछ हम कर सकते थे बट नथिंग वर्क्ड। अब ये चीज़ हम चाहते हैं कि ये बात हम बताएं कि इस किस्म के सिचुएशन में या लोगों को ये अवेयरनेस हो, उस घर के लोगों को ये पता होता है कि ये अगर हम इसको नहीं पहुंचाएंगे तो ये कानून के खिलाफ है, वो मर जाएगी तो कत्ल का मुकदमा है, या हमारे भी कोई पता नहीं इंसानी जिम्मेदारियों की गिरफ्त की और किस किस्म की थी। तो इस किस्म के इतने वाकयात होते हैं, इतने वाकयात होते हैं कि वन फील्स टोटली हेल्पलेस। वी ट्राइड टू डू व्हाटएवर वी कुड लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। उसके पेरेंट्स को कहा आपस में करें, कहते हैं जी एक बेटी तुम्हारी चली गई और बाकी चार बैठी हैं, पहले घर बेच के हमने उसका जहेज लिया था, या तो आप हमें जहेज बेटी से अब तो चली गई, कहते हैं वो जहेज हम हमें दिलवा दें ताकि मैंने जो बाकी बेटियों की शादी कर ली है मैं खुद दे दूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम अदालतों में लग के नहीं खा सकते बिकॉज एवरी टाइम बेगोम का किराया लगता है या कोई भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मसले हैं। Honestly speaking, I never really chose. ये था कि मेरी मदर वर्किंग थी, मेरी फैमिली में बहुत सारी वर्किंग वेमेन हैं, दे आर ऑल वेरी डायनामिक, तो एक चीज़ बचपन से हमारे दिमाग में बैठी है कि वक्त ज़ाया नहीं करना और लड़कियों ने कुछ करना है, तो पढ़ाई भी करनी है और जॉब भी करनी है और करियर भी बनाना है और फैमिली लाइफ भी साथ चलनी है। तो ये बात अंडरस्टूड थी कि अभी मेरे मास्टर्स का जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म नहीं हुआ था, माय मदर शी वाज़ आल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर, शी आस्क्ड मी कि तुम स्टार्ट अप्लाइंग, तुमने एक दिन भी घर नहीं बैठना, ये नहीं हम सोच सकते कि मेरा कोई भी बच्चा जो है वो घर बैठ के वक्त ज़्यादा कर रहा है, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड स्टार्ट वर्किंग। तो ये तो एक चीज़ थी कि जी करना है कुछ। तो यहाँ पे जब आए तो इट वॉज जब ट्रेनिंग थी मिनिस्ट्री ने तो हमें खुद एहसास हुआ कि हम तो सारी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे, मतलब मुझे भी यही लगता था कि अगर किसी औरत करे हुआ है तो शायद कहीं ना कहीं उस औरत का भी कोई कसूर होगा, शायद उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे या उसने किसी से किसी को कुछ कहा होगा और उसका कहीं ना कहीं हम उसको कम अज़ कम चाहे 2% भी देते थे, हम कहते नहीं ये इसके काम हुआ है जरूर था। वो जब ट्रेनिंग हुई हमारी बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग थी मिनिस्ट्री की, वी स्टिल रिमेंबर के जो कुछ उन्होंने और उसमें यही था कि ये चीज़ के स्टेटिस्टिक्स उन्होंने बताए कि जी 6 माह की बच्ची से लेके 86 साल की औरत तक के साथ ही रेप हुआ है और उनमें उनको कोई कसूर नहीं था, न्यू बॉर्न का क्या कसूर हो सकता है जिसके साथ ही हुआ है। तो रेप इज बेसिकली अ रूल ऑफ रिवेंज जिसमें आपने डोमिनेंस सिखानी है, आपने बदला लेना है एंड इट इज नेवर रिवर्सल, इट इज ऑलवेज प्लान, हमेशा से ये प्लान के साथ होता है, हमेशा से जो परपेट्रेटर है वो ऐसे नहीं होता कि जी सड़क पर उलटी जा रही है वो सोचे कि जी इसके साथ मैंने करना है वो फौरन कर ले, इट इज़ ऑलवेज प्लान और उसके पीछे कई कई इंसेंटिव होते हैं, कई वजूहत होती हैं, हम रॉयल्टी के साथ हमारे क्रू जो आती हैं, सेलिब्रिटीज आती हैं, बाकी आते हैं जो जा रहे होते हैं उनके साथ कितनी कुछ होता है, बिकॉज पावर के हमें अपनी लिमिट्स का पता होता है, परपेट्रेटर्स को भी पता होता है कि कहाँ पे हमारी पहुँच है, कहाँ पे हम नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट पावर एंड रिवेंज एंड प्लानिंग और खातून जो होती है उसका वो विक्टिम ही होती है उसका। पहले रेप की जो हम बात कर रहे थे उसमें तो ये है कि क्योंकि हमारे माशरे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी की, तो एक काफ़ी एन जी ओज ने काम किया, वैसे भी हुआ कि एक रेप किट्स मिलती है तो खुदा खास्ता किसी के साथ ये वाक्य हो, तो जो पहली स्ट्रैटेजी होती है कि हमें एविडेंस यूज़ करें,
उसमें गिल्ट इतना ज़्यादा होता है जो विक्टिम है वो बेचारी इतना बुरा फील कर रही होती है कि शी यूजुअली गोज एंड टेक्स अ बाथ एंड शी ट्राइज़ टू स्क्रब ऑफ हर चीज़ के जो भी कुछ बुरा हुआ है शायद पानी से वो खत्म हो जाए वो सब कुछ. तो वो रेप किट्स बड़ी सिंपल सी होती है कि जितनी भी एविडेंस है वो एक शीट बिछा के अगर आप कुछ भी आपके कपड़ों पर एक्सटर्नल किसी बंदे का लगा हुआ है खून लगा हुआ है कोई कट है कुछ भी है या जो भी इस किस्म के जो चीज़ें होती हैं तो उसको एविडेंस को सेव करना है चाहे उसके ऊपर कार्रवाई आपने बाद में करनी है या आपने नहीं करनी लेकिन वो एविडेंस जो उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली है जो क्लोज रिलेटिव है या जो भी पास है ये आई थिंक उनकी भी ड्यूटी है कि वो बेशक वो बहुत ट्रोमा में होती है उस वक्त लेकिन उसको ये बता दिया जाए कि लेट्स नॉट वेस्ट द एविडेंस. तो एक तो रेप किट्स का है और बेसिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए कि हमने मेडिकल लीगल में गए इसमें एन जी ओ में फोरेंसिक्स में ये चीज़ें किस तरह हेल्पफुल होती हैं. जहाँ तक बात है कि इस फील्ड का भी ह्यूमन राइट्स में बहुत वॉयलेंस है वो सब कुछ है जो बेसिक ह्यूमन राइट्स में हमारा हिंदी एशार है इट इज़ सो सिंपल जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक हैं कि वो तो हर इंसान के अपने अखलाक से शुरू होते हैं आपके अपने मैनर से अपने एथिक्स से योर डीलिंग विद अदर पीपल इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. उसमें ये जो एक्सट्रीम वॉयलेशंस हैं ये बेशक हमारी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये तो बहुत बाद में आती है. बेसिक ह्यूमन राइट्स स्टार्ट दे स्टार्ट विद अवर ओन सेल्फ. पहले हमने अपने आप को रियलाइज़ करना है कि मैं कहाँ कहाँ कहीं मेरे सेल्फ तो नहीं हो रहे कहीं मेरे साथ तो नहीं कुछ हो रहा एंड देन द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट्स ऑलवेज कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इफ आई एम आस्किंग कि मेरे ह्यूमन राइट्स है आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर 20 अदर पीपल एंड से मैं डील कर रही हूँ तो अगर मेरे राइट्स हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है और अपने फ्यूचर एनालिसिस करते रहना है कि मैंने तो किसी की राइट वायलेट नहीं किया. तो ये तो सबसे पहले एक मेंटल प्रोसेस है एक सेल्फ चेक है जो हर इंसान को करना चाहिए और प्रैक्टिकली इसमें आना तो फिर थोड़ी बहुत आगे की बात. देखिए टॉप से शुरू करते हैं अगर हम जितनी मर्जी पॉलिसी बना लें लेजिस्लेशन कर लें जो सच्ची बात नहीं है कि जब तक हम लोगों की एज ए नेशन हमारी बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं होगी हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं हम लोग इतने इनवॉल्वमेंट हो चुके हैं हम लोग इतने एग्रेसिव हो चुके हैं इतने ज़्यादा हम लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं कि हम लोगों को एज अ नेशन आई थिंक वी आर गेटिंग अ वेरी इनवॉल्वमेंट एंड एग्रेसिव नेशन. ना हमारे अंदर बर्दाश्त है ना रवानी है ना सब्र है ना किसी का एहसास है हम बस लड़ने मरने को तैयार बैठे हैं और इसके साथ तो मेरा नहीं ख्याल इस एटीट्यूड के साथ हम अपने किसी भी एमडीजी को चुन सकते हैं इन द रियल सेंस.